नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल प्रावी पीएट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आफर यूथ फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी से मैंने बताया कि आज हम आफर यूथ फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने JCR टेस्ट का एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो मेरा वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। आफर यूथ फिज़िकल फिटनेस टेस्ट को पॉल होनशिकर की अध्यक्षता में अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिज़िकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की रिसर्च कमेटी ने 1958 में बनाया था। इस टेस्ट को 1965 में रिवाइज्ड भी किया गया। इस टेस्ट में 7 टेस्ट आइटम्स हैं, जैसा कि पहला है पुलअप्स जो बॉयज़ के लिए है, और फ्लेक्स्ड आर्म हैंग गर्ल्स के लिए है। सेकंड टेस्ट आइटम है सिटअप्स। ये सिटअप्स गर्ल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 और बॉयज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 100 करने हैं। शटल रन 10x4, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 50-yard dash, सॉफ्ट बॉल थ्रो और 600-yard run और वॉक। सन 1976 में एक बार पुनः आफर यूथ फिज़िकल फिटनेस टेस्ट को दोहराया गया और इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। जैसे पहला परिवर्तन जो था वो था सॉफ्ट बॉल थ्रो टेस्ट आइटम को डिलीट कर दिया गया। अब सिर्फ 6 ही टेस्ट आइटम इस टेस्ट में बचे थे। वहीं दूसरा जो परिवर्तन हुआ वो हुआ स्ट्रेट लेग सिटअप्स, जो लड़कियों के लिए अधिकतम 50 और लड़कों के लिए अधिकतम 100 थे, उसे बेंट नी सिटअप्स में परिवर्तन किया गया और इसमें 60 सेकंड का समय निर्धारित किया गया। तीसरा जो परिवर्तन था वो था 600-yard run वॉक टेस्ट आइटम को ऐच्छिक विकल्प रखा गया। इसका चुनाव पूरी तरह उस सब्जेक्ट पर निर्भर करता था। 10 से 12 साल तक के सब्जेक्ट्स के लिए 600-yard run या वॉक, या 9-minute run walk या 1-mile run walk रखा गया। वहीं आप देख सकते हैं कि 13 साल या उससे ऊपर की उम्र के लिए 1.5-mile run walk या 12-minute run walk रखा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है। इस टेबल के माध्यम से हम ये देखेंगे कि कौन सा टेस्ट आइटम कौन सी क्षमता को मापता है। सबसे पहले देखते हैं पुलअप्स और फ्लेक्स आर्म टेस्ट। इस टेस्ट में जो है पुलअप्स या फ्लेक्स्ड आर्म हैंग टेस्ट, यह टेस्ट हमारे आर्म्स यानी बाजू और शोल्डर यानी कंधे की मांसपेशीय शक्ति और मांसपेशी सहन शक्ति को मापता है। दूसरा है हमारा बेंट नी सिटअप्स। ये हमारे ट्रंक यानी आप अगर हमारे शरीर से सर और लिम्स को छोड़ दें तो जो भी इस हिस्सा हमारे शरीर का बचता है उसे ट्रंक कहते हैं। यह आइटम बेंट नी सिटअप्स हमारे ट्रंक की मांसपेशी शक्ति और सहन शक्ति को मापता है। तीसरा जो है वो है शटल रन। ये हमारी स्पीड यानी गति और एजिलिटी यानी चपलता को मेज़र करता है। फोर्थ है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ये हमारे पैरों की विस्फोटक शक्ति का मापन करता है। 50-yard dash जो हमारा अगला टेस्ट आइटम है, ये हमारे पूरे पैरों की गति तथा विस्फोटक शक्ति को मापता है।
लास्ट हमारा टेस्ट आइटम है 600 यार्ड रन वॉक, या आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी मैंने ऑप्शंस बताए थे उन सभी ऑप्शन को जब कोई भी टेस्ट सॉरी सब्जेक्ट परफॉर्म करता है तो यह टेस्ट हमारे हृदय की सहन शक्ति को मेज़र करता है। अधिकतर लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्होंने शायद इस टेस्ट को ज़रूर परफॉर्म किया हो, लेकिन हम लोगों ने इस टेस्ट को एक ही दिन में कंप्लीट किया था। पर इस टेस्ट को करने का जो समय निर्धारित किया था आफर कमेटी ने वो था 2 दिनों का। इस टेस्ट आइटम को 2 दिन में पूरा किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस टेस्ट आइटम को कब और किस दिन परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट डे सबसे पहले पुलअप्स या फ्लेक्स्ड आर्म हैंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दूसरा बेंट नी सिटअप्स और तीसरा शटल रन फर्स्ट डे में परफॉर्म किए जाने वाले टेस्ट आइटम्स में से हैं। सेकंड डे हम सबसे पहले स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, फिर 50 यार्ड डैश और आखिरी में 600 यार्ड रन वॉक या जो भी उस इंडिविजुअल के द्वारा ऑप्ट किया गया है उस टेस्ट आइटम को परफॉर्म किया जाता है। अब हम अपने पहले टेस्ट आइटम जो कि है पुलअप्स या फ्लेक्स्ड आर्म हैंग टेस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी टेस्ट आइटम को परफॉर्म करने से पहले हमें किन किन उपकरणों की ज़रूरत होती है या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। उससे पहले मैं आपको हर एक टेस्ट आइटम से पहले ये बात नहीं बोल रही हूँ, पर मैं सबसे शुरुआत में ही ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई भी टेस्ट आइटम को परफॉर्म करने से पहले जो हमारा टेस्टर होता है या डेमोंस्ट्रेटर होता है वो उस टेस्ट को परफॉर्म करके सब्जेक्ट्स को दिखाता है, जिससे कि सब्जेक्ट्स को उस टेस्ट आइटम को परफॉर्म करने में कोई भी गलती ना हो। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें एक लकड़ी या मेटल बार जिसका डायमीटर लगभग 1.5 इंच हो और एक स्टॉपवॉच की ज़रूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पुलअप्स के बारे में। इसके टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके बारे में जानते हैं, मतलब टेस्ट को किस तरह से परफॉर्म करना है उस बारे में। यहाँ पर जो बार हम लोग प्रयोग में लेंगे वो बार की हाइट या ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि वो सब्जेक्ट आसानी से उस पर एक्सटेंडेड आर्म या हमारी जो हाथ है वो कोहनी से पूरे सीधे हों, ऐसे करके वो सब्जेक्ट उस बार में लटका हो और लटकते वक्त उसके पैर ज़मीन को बिल्कुल भी टच ना करें। सब्जेक्ट बार को ग्रिप करता है फॉरवर्ड हैंड ग्रिप के साथ में, जिसमें कि हथेलियां आगे की तरफ रहती हैं। उसके बाद सब्जेक्ट खुद को ऊपर की तरफ खींचता है और वो तब तक खींचता है जब तक उसकी ठोड़ी या चिन बार के ऊपर ना आ जाए। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट वापस नीचे की तरफ आता है जिसमें उसके हाथ कोहनी से बिल्कुल सीधे हों। इस प्रक्रिया को सब्जेक्ट जितनी ज़्यादा बार दोहराता है वह उसका स्कोर माना जाता है। इस टेस्ट में सब्जेक्ट को सिर्फ एक ही ट्रायल दिया जाता है। इसकी स्कोरिंग जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार सब्जेक्ट पुलअप्स कम्प्लीटली अच्छे से परफॉर्म करता है वह उसका स्कोर होता है। जैसे अगर सब्जेक्ट ने 10 पुलअप्स परफॉर्म किए तो उसका स्कोर होता है 10। यहाँ मैंने एक पिक्चर भी लगा रखी है, आप उससे भी देख सकते हैं कि सब्जेक्ट ने किस तरह की ग्रिप ली हुई है और वो कैसे पुलअप्स को परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए हम अपने इसी टेस्ट आइटम की दूसरे में बात करते हैं जो गर्ल्स के लिए है, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग टेस्ट। इसमें भी हमें इक्विपमेंट वही चाहिए रहेंगे जिसके बारे में हमने लोगों ने पुलअप्स को स्टार्ट करने से पहले देखा था। यहाँ पर क्योंकि ये टेस्ट लड़कियों के लिए है इसलिए यहाँ पर जो असिस्टेंट हैं वो भी गर्ल्स ही रहेंगी। दोनों असिस्टेंट की मदद से वो लड़की
बार को ग्रिप करने के बाद अपनी पूरी बॉडी को उस बार के ऊपर, जब उसकी चिन उस बार से ऊपर आ जाए उस लेवल तक अपने आप को खींचती है और उसकी जो एल्बोज़ रहती हैं वो फ्लेक्स्ड रहती हैं। यहाँ पर आपने अगर पहले पढ़ा होगा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के बारे में तो शायद आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि फ्लेक्स्ड पोजीशन का मतलब रहता है जब हमारी एल्बोज़ मुड़ी रहती हैं और उसको इसी ग्रिप के साथ बार को ग्रिप करना है और खुद को या अपने शरीर को बार से ऊपर रखना है और बार के पास रखना है जिससे कि उसको होल्ड करने में उसकी बॉडी फ्लक्चुएट ना करे। जैसे ही सब्जेक्ट अपनी प्रॉपर पोजीशन लेती है तुरंत ही एक टाइमर स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर देता है और जितनी ज़्यादा समय तक वह सब्जेक्ट अपने आप को होल्ड रखती है, मतलब उसकी चिन उस बार से ऊपर रहती है या उस बार को टच नहीं करती है या उसे नीचे नहीं आती है, तो वह समय को नोट किया जाता है। इस टेस्ट आइटम की स्कोरिंग समय के हिसाब से होती है। जितने ज़्यादा समय तक वह सब्जेक्ट बार में अपने शरीर को चिन के ऊपर तक होल्ड रखती है वह उसका टोटल समय सेकंड्स में रिकॉर्ड करके उस टेस्ट आइटम का स्कोर रखा जाता है। सेकंड टेस्ट आइटम जो है वो है बेंट नी सिटअप्स। इस टेस्ट आइटम को परफॉर्म करने के लिए हमें एक मैट जिसमें सब्जेक्ट लेट सके या एक ऐसा एरिया फ्लोर पर चाहिए जिसमें वो आसानी से सिटअप्स को परफॉर्म कर सके और साथ ही साथ एक स्टॉपवॉच भी चाहिए रहती है। तो चलिए इस टेस्ट को किस तरह से परफॉर्म करना है वो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को बोला जाता है कि वह उस फ्लोर पे या उस मैट पर पीठ के बल लेट जाए और उसकी जो घुटने रहते हैं वो मुड़े हुए रहें, उसके पेल्विक रीजन से उसके हील्स की जो दूरी रहती है वो 12 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो उसके घुटनों से एक एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। सब्जेक्ट्स अपने दोनों हाथों को अपने गले के पीछे जाके इंटरलॉक करके फिंगर्स को रखता है और उसकी दोनों एल्बोज मैट को प्रॉपरली टच कर रही होती हैं। उसके बाद टेस्टर एक स्टॉपवॉच लेकर खड़ा रहता है और उसका जैसे ही सिग्नल गो का मिलता है सब्जेक्ट को उठना होता है और अपने दोनों घुटनों को अपनी दोनों एल्बोज से टच करना रहता है, अर्थात बायां घुटना बाईं एल्बो से टच करना रहता है और दायां घुटना दाईं एल्बो से टच करना रहता है। इसी प्रोसीजर को सब्जेक्ट को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वह बार परफॉर्म कर सकता है उसको करना रहता है और एक असिस्टेंट रहता है जो कि उसके पैरों को पकड़ कर रखता है जिससे कि उसको एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिले और उसके पैर इधर उधर मूव ना कर पाए। जब सब्जेक्ट इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा होता है तो एक ऑब्जर्वर ये ध्यान रखता है कि सब्जेक्ट उस टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म करे, अर्थात जब वो नीचे जाता है तो उसकी दोनों एल्बोज मैट से टच कर रही हों और जब वो उठता है तो उसकी दोनों एल्बो उसके नीज को टच कर रही हों, तब जाकर ये एक सिटअप कंप्लीट माना जाता है। इस टेस्ट की स्कोरिंग के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार वो सब्जेक्ट सिटअप्स को 60 सेकंड में परफॉर्म करता है वह इसका स्कोर बन जाता है। अगर किसी ने 35 सिटअप्स 60 सेकंड्स के अंदर परफॉर्म किए हैं तो वो उसका स्कोर कहलाते हैं। तीसरा टेस्ट आइटम है हमारा शटल रन। इससे पहले भी हम लोगों ने JCR टेस्ट में इस चीज़ के बारे में बात करी थी। शटल रन के लिए हमें दो वुडन ब्लॉक्स चाहिए रहते हैं और एक स्टॉपवॉच, और जो भी एरिया हमारा शटल रन को परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट किया गया है उसकी प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए। समतल मैदान में दो समांतर लाइनें 10 मीटर की दूरी में खींची जाती हैं। एक लाइन
स्टार्टिंग लाइन तथा दूसरी लाइन रिटर्निंग लाइन कहलाती है। रिटर्निंग लाइन पर दो वुडन ब्लॉक्स रखे जाते हैं और सब्जेक्ट को स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़े रहने को बोला जाता है। टेस्टर के गो संकेत में ही सब्जेक्ट को स्टार्ट करना रहता है और जैसे ही टेस्टर गो का संकेत देता है वो स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर देता है। उसके बाद सब्जेक्ट को रिटर्निंग लाइन की तरफ दौड़ना रहता है जहाँ पर वो दो वुडन ब्लॉक्स रखे हैं। उनमें से एक वुडन ब्लॉक को उठाकर सब्जेक्ट वापस से स्टार्टिंग लाइन की तरफ दौड़ता है और उस वुडन ब्लॉक को स्टार्टिंग लाइन के पीछे रखता है। जैसे ही वो उस पहले ब्लॉक को स्टार्टिंग लाइन के पीछे रखता है वह तुरंत रिटर्निंग लाइन की तरफ फिर से दौड़ता है और उस दूसरे रखे हुए वुडन ब्लॉक को उठाकर फिर से स्टार्टिंग लाइन की तरफ दौड़कर आता है और वह दूसरे वुडन ब्लॉक को स्टार्टिंग लाइन के पीछे रखता है। जैसे ही सब्जेक्ट दूसरे ब्लॉक को स्टार्टिंग लाइन के पीछे रखता है टाइमर अपना स्टॉपवॉच को बंद कर देता है। उसके बाद जो भी उसका समय होता है उसको नोट कर लेता है। इस टेस्ट आइटम में सब्जेक्ट को दो ट्रायल्स दिए जाते हैं। दोनों ट्रायल्स के बीच में कुछ समय उसको रेस्ट का दिया जाता है। उसके बाद उसका टाइम जो भी आया रहता है उन दोनों ट्रायल्स में उसमें से जो बेस्ट टाइमिंग रहती है उसको रिकॉर्ड करते हैं और जो इसमें टाइमिंग रिकॉर्ड करी जाती है वो नियरेस्ट 10th of second में रिकॉर्ड करते हैं। नियरेस्ट 10th of second का मतलब होता है कि अगर आपकी टाइमिंग 9.6 आ रही है तो उसको 9.6 को हम नियरेस्ट 10th हमारा आ रहा होता है पूरे होल 10 seconds में तो हम उसको 10 seconds मानते हैं, या अगर आपकी टाइमिंग 9.3 आ रही होती है तो हम उसको होल के लिए 9 seconds काउंट करते हैं। चौथा हमारा टेस्ट है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। यह इससे पहले हम लोगों ने जो टेस्ट पढ़ा था JCR उसमें हम लोगों ने वर्टिकल जंप के बारे में बात किया था और यह जंप उससे बिल्कुल अलग है। यह है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो हैं एक फ्लोर जो मार्क्ड हो, मैट या लॉन्ग जंप की पिट, मेजरिंग टेप और मार्किंग चॉक। तो चलिए देखते हैं कि इस टेस्ट को किस तरह से परफॉर्म करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट उस स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़ा हो जाता है। उसके दोनों पैर आपस में बराबर पैरेलल पोजीशन पर रहते हैं और सब्जेक्ट को ये कहा जाता है कि उसको जितनी दूर वह कूद सकता है उसको कूदना रहता है। कूदने से पहले जो सब्जेक्ट रहता है वो अपने दोनों हाथों को स्विंग कर सकता है, नीज से खुद को बेंड कर सकता है और उसके बाद वह अपनी पॉसिबल जंप जो भी है उसकी वो लेता है। जो भी उसका शरीर का हिस्सा सबसे पीछे आता है स्टार्टिंग लाइन के सबसे करीब जो भी उसका शरीर का हिस्सा पड़ता है हम वहाँ से उसको मेज़र करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें वो सब्जेक्ट हॉप नहीं कर सकता है और रन नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इस टेस्ट की जो स्कोरिंग रहती है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि जो डिस्टेंस सब्जेक्ट ने स्टार्टिंग लाइन से जो लास्ट उसका शरीर का टच हुआ है वहाँ तक कवर करता है उस डिस्टेंस को हम लोग नोट कर लेते हैं और उसके बाद उसको नॉर्म्स में टैली करने के बाद पॉइंट्स देते हैं। फिफ्थ जो हमारा टेस्ट आइटम है वो है 50-yard dash। इसके लिए हमें एक मार्क्ड एरिया और स्टॉपवॉच चाहिए होगा। मार्क्ड एरिया मतलब जहाँ पर 50 गज की दूरी को हम लोगों ने मेज़र किया हो जिसमें कि हमें सब्जेक्ट्स को दौड़ाना है। दो लाइन समतल मैदान में एक दूसरे के समांतर 50 यार्ड या 50 गज की दूरी में खींची जाती हैं।
एक लाइन को स्टार्टिंग लाइन और दूसरी लाइन को फिनिशिंग लाइन कहते हैं। सब्जेक्ट्स स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़े रहते हैं और जैसे ही टाइमर या टेस्टर उसको रेडी का सिग्नल देते हुए गो बोलता है, सब्जेक्ट्स अपनी रनिंग स्टार्ट करते हैं और टाइमर अपनी स्टॉपवॉच को स्टार्ट करता है। जितने कम से कम समय में सब्जेक्ट उस 50 गज की दूरी को तय करते हैं, वह उनका समय नोट किया जाता है। इसकी स्कोरिंग, जितना भी समय 50 गज की दूरी को तय करने में सब्जेक्ट लेता है, उस समय को सेकंड्स में नोट करके लिखते हैं। आखिरी टेस्ट बैटरी है हमारी 600 यार्ड्स रन वॉक या जो भी वह सब्जेक्ट ऑप्ट करता है। इसके लिए हमें एक ट्रैक और या मार्क्ड एरिया चाहिए रहता है जिसमें कि सब्जेक्ट को उस 600 यार्ड रन और वॉक को परफॉर्म करना है और एक स्टॉपवॉच। इसको परफॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट को स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा कर दिया जाता है और इस टेस्ट में सब्जेक्ट स्टैंडिंग स्टार्ट लेता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कितनी तरह के स्टार्ट्स होते हैं अपने किसी अगले वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें। इस टेस्ट में सब्जेक्ट स्टैंडिंग स्टार्ट लेता है और कम से कम समय में उस 600 गज के डिस्टेंस को कवर करता है। इस टेस्ट में, जैसा कि इसका नाम है रन और वॉक, सब्जेक्ट चाहे तो वह चल के भी इस टेस्ट को कर सकता है, लेकिन इस 600 गज की दूरी को तय करना कम से कम समय में ज़रूरी है। इस टेस्ट की स्कोरिंग जो रहती है वो ये रहती है कि सब्जेक्ट ने जितना भी टाइम 600 गज की दूरी को तय करने में लिया होता है उसको मिनट्स और सेकंड्स में रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट है कि हम लोगों ने ये पूरा का पूरा टेस्ट परफॉर्म कर लिया, फिर इस टेस्ट को कैसे इवेलुएट किया जाता है। आपने कई सारे नॉर्म्स देखे होंगे आफर यूथ फिटनेस टेस्ट के बारे में, जो कि परसेंटाइल रैंक बेसिस पे आधारित हैं और ये हर एक एज और हर सेक्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट चिल्ड्रन के लिए हैं और इसको बहुत ही लार्ज नंबर में पब्लिश किया गया है टेस्ट एंड मेजरमेंट बुक्स में, जो कि है आफर फिटनेस टेस्ट मैनुअल 1991। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।